जी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप के हमारे तमाम मेंबर्स को हम एक नई एपिसोड के साथ कह रहे हैं, या सेकंड एपिसोड। मैंने तो कल ही एक इंटरव्यू किया था। हमारे साथ हमारी रुकने पार्लियामेंट मिसेज इकरा खालिद हमारे साथ हैं। आज हम इनसे इनके बारे में बड़े लाइट से अंदाज में गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे के माशाल्लाह से इनके अचीवमेंट्स के बारे में और इनके चैलेंजेस के बारे में, और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक जो स्टिग्मा है पाकिस्तानी वुमेन के बारे में कि जो यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं होते सही तरह, तो उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम इकरा, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं हमारे मेंबर्स के लिए। बिल्कुल। वेलकम सलाम कैसर भाई, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड बिफोर आई बिगिन, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी फैमिली डे। एंड आई नो यस्टरडे वी वर सेलिब्रेटिंग फैज अहमद फैज साहब की बर्थडे थी कल। यू नो ही इज अनदर ग्रेट पोएट इन इन आवर कल्चर एंड इन द पाकिस्तानी यू नो इंटेलेक्चुअल सीन। माई नेम इज इकरा खालिद, आई एम दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन मिसिसागा एरन मिल्स। आई रैन फॉर द फर्स्ट टाइम in 2015 and was re-elected in 2019. It's an honor to represent this community. Over the my roles currently, I am the chair of the Justice Committee in Ottawa. I also sit on the International Human Rights Subcommittee. I also chair the Women's Caucus as well as the All-Party Women's Caucus, and I do sit on the Prime Minister's Caucus Executive. So lots of work, lots of great things happening in our community, and very excited to be here and to talk a little bit different than just politics all the time. असल में यही लाने का मकसद यही था कि एक तो हमारे पाकिस्तान में जो जो ख्वातीन हैं जो देख रही हैं हमारी, माशाल्लाह से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस ग्रुप में मौजूद हैं, तो उनको आपको जैसे आपको तो ज़्यादा पता है कि ये थोड़ा सा ही लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे का फ़र्क होता है। आपका एक दफ़ा आप कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो जाए, आप अपने आप को जानना शुरू कर दें, तो बाकी चीज़ें अल्लाह के फजल से आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। तो तारुफ का शुक्रिया। आप अच्छा ये बताएं कि थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरे तीन भाई हैं, माशाल्लाह सब मुझसे लंबे हैं लेकिन उम्र में मुझसे कम है। आई एम द सेकेंड चाइल्ड। वी इमिग्रेटेड टू कनाडा जब मैं 12 साल की थी। मेरे बेबे और बाबा, आई माय मॉम एंड डैड, वी कॉल देम प्यार मोहब्बत से बेबे एंड बाबा, क्योंकि लाइक नाउ देयर आर माय ब्रदर्स हैव देयर ओन चिल्ड्रन। सो यू नो मदर्स का रोल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है हमारे हाउस होल्ड में। सो यू नो बेबे एंड बाबा आर दी ग्रैंड पेरेंट्स एंड देन यू नो द हायरार्की इन आर हाउस होल्ड। वी इमिग्रेटेड 1998 एंड यू नो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्लेस्ड टू स्टिल बी लाइक टुगेदर विद आर फैमिली टू बी बिल्डिंग आर कम्युनिटी। हम छह अफराद थे जब हम कैनेडा में आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 12 हो चुके हैं। माशाल्लाह। So you know like we're increasing and you know it's really nice to be with family here in this beautiful country. और थैंक यू वेरी मच। बेबे का लफ्ज तो खैर एक स्पेशल है ना, और खास तौर पे आपकी जुबान से बड़े प्यार से कहती हैं बेबे, तो उसमें एक पूरा आपकी बेबे के लिए जो प्यार है मोहब्बत है वो झलकता है। और आप मेरी बेबे से मिले हुए हैं और आपको यकीनन पता होगा कि हम उनको बेबे क्यों कहते हैं। शी इज दी माशाल्लाह उस्ताद। से माशाल्लाह, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। अब वो तो उनके साथ तो मिलना तकरीबन हर दूसरे दिन ही होता बिल्कुल। है। सादिया जब भी जाती है तो शी लव्स टू से हाय, वो स्पेशल मुझे कहती है, मैं जरा उनकी अम्मी को हेलो कर लूँ। अच्छा तो माशाल्लाह से आपके जो वालिद हैं वो हाफिज़े कुरान भी हैं, दिस बिल्कुल। इज़ अ स्पेशलिटी। He's a Hafiz of Quran. He's also a PhD doctor from the UK in Library and Information Sciences. So काफी intellectual है, not just in Islamiyat but also in how we run our world. And हमेशा you know हमारी family को हमारी बचपन की आदत है, even like as young children, before dinner Baba would हमें थोड़ी सी तालीम देते होते थे कि इस्लाम में ये है और ये हदीस एंड, लेकिन बियॉन्ड दैट ही वुड से हमारी आजकल की दुनिया में ये ऐसे अप्लाई होता है, ताकि लाइक हमें खुद लाइक इट्स नॉट हाइपोथेटिकल, ताकि हमें खुद पता चले कि ये जिंदगी क्या है एंड हम प्रैक्टिकल नॉलेज इस्लाम का यू नो लाइक आई रियली अप्रिशिएट के बाबा ने हमें ये दिया है। एंड हमारे टेबल पे डिनर टेबल पे आई आई विल गिव सम कॉन्टेक्स्ट। हमारे घर की एक रूल है
के डिनर फैमिली का इकट्ठा होता है. अगर कोई मिसिंग है डिनर टेबल से, मेरे तीन भाई, मायसेल्फ, माय भाभीज, मॉम एंड डैड, अगर एंड द नेफ्यूज एंड द नीस, अगर कोई भी मिसिंग है डिनर टेबल से, तो कोई खाना शुरू नहीं करता जब तक सब घर नहीं पहुंच जाते. तो डिनर टेबल पर अक्सर हमारी गुफ्तगू बस यही होती है, यू नो, इंटेलेक्चुअली अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, इस्लामियात, एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि जिंदगी क्या है और कैसे चलती है, स्पेशली इन मॉडर्न सोसाइटी. एंड you know, dad often refers to great philosophers of the past, including some Pakistani philosophers as well. You know, like Mumtaz Mufti and Bano Qudsiya, jinki writings hai, Allama Iqbal and Mir Taqi Mir and Bulle Shah, and you know, so all of that, jo ke, you know, purane zamano mein jo, like, you know, people unko bahut mante the, lekin Baba translates that unko practical alfazon mein hamari sari family ko samjhate hai, and then फिर उस पर सारी रात बहस चलती रहती है कि ये क्या कह रहे थे, ये सही है, नहीं सही है, and all of that is wonderful. Thank you very much. See, I could see even, असल में जो हमारी दीन है वो प्रैक्टिकल ही का नाम है, और आज के दौर में हमने किस तरह उसको प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करना है, that's the key, and the key for success as well. आपने बहुत अच्छे से उसको जो है वो सम अप किया. तो ये पूछने लगा था आगे मैं कि जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, अब माशाल्लाह से एक तरफ आपके वालिद साहब इतना नॉलेज है, इतना सारा कुछ है सोसाइटी में, मुझे पता है एस हमारा उठना बैठना होता है, तो लोग आपको किस तरह, मतलब लोगों के बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो चैलेंजेस है उसको आप किस तरह देखती हैं और कहाँ कैसे डील करते हैं. So I guess there's lots of challenges. Ek to work related challenges hote hain ke, you know, jo community ki awaaz hai, community ke issues hain, unko kaise resolve karna hai. I mean, I can tell you today, as of today, I have, I think, 268 different active files from my constituents jinko madad chahiye, jinke saath hamara daily contact rehta hai to help resolve their issues. And then there's the you know, the policy issues ke humne apni economy kaise reduce karni hai, humne apni communities ko zyada safe kaise banana hai, so many different things. And Mississauga Erin Mills is a very diverse community. Isme 43 different languages yahan par boli jati hai hamari writing mein. Wow. It's a very very diverse writing. So सबके साथ ताल्लुक में रहना, सबके cultures, सबके, you know, lives को understand करना, it's a very big challenge. If I'm talking specifically about the Pakistani Canadian community in Mississauga Erin Mills, I can tell you कि जितना प्यार और मोहब्बत से, you know, everybody पेश आते हैं, I really appreciate, especially the ladies of Mississauga Erin Mills. They're so empowered and so encouraging, and you know, and they always fix your crown, you know, ek dusre ko sambhalte hain, they take care of each other, and I really love that. But I also, being of a, you know, Pakistani heritage and being a Canadian parliamentarian, the expectations jo ki logon ki hoti hain, it's a big responsibility, you know. Sometimes, you know, and I know that these expectations come from love, from muhabbat, from an understanding ki, you know, community ki beti hu, behen hu, sabki, like I'm related, and like, you know, bahut close knit hamari community hai yahan par. So obviously logon ki expectations to hain. And I was just thinking, actually meri baba se guftagu ho rahi thi isi mauzu pe, ke, you know, like how there are so many expectations, and how do we meet those expectations? And he said, can you imagine ke Allama Iqbal sahib ke jo aulad hogi, halanki bhale wo chief justice bane ya jo bhi bane, can you imagine living under the shadow of Allama Iqbal, and jo logon ki expectation thi unke bachchon se, it's big, and it's out of love. So tanqeed and, you know, criticism is all part of it, but it comes from a place of really ki hum behtar kaise ho sakte hain. It's and I appreciate that. I love listening to the feedback, and
I know some of the challenges, you know, being a young woman in politics and then carrying the title of a member of parliament sometimes is difficult to talk to somebody, you know, who's my father's age and, you know, may not know. Unko khud logon ko mujhe aksar like I can see it in their face. Unko kabhi kabhi samajh nahi aati ki wo mujhe beti kahein ke MP kahein ke behan kahein ke what how do we communicate? But shukr alhamdulillah, I can't begin to tell you jitni muhabbat mujhe is community se mili hai, I'll forever be grateful for it. Thank you very much. Jis tarah aapne kaha ki criticism, I think criticism brings the best out of you. Exactly. Aur that's how the life goes on. Acha ab jo hai wo hame ye bataye ki Pakistan mein aapka jo talak hai wo kis ilake se hai, thoda sa aap apni zuban mein bhi jo hai wo thoda sa rasgul. So meri apni zuban ta Punjabi hai kya. मेरी उर्दू थोड़ी सी पैदल है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ या तो इंग्लिश बोल सकती हूँ या पंजाबी लेकिन उर्दू की कोशिश जरूर करती रहती हूँ. मैं पैदा हुई थी बहावलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल, वहां पर मेरे बाबा प्रोफेसर थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी में. तो हमारा जो गांव है इट्स इन रुकनपुर, रहीमिया खां का एक किला है या कस्बा कह लें उसको रुकनपुर. वहां पर मेरे दादा अबू मेरे चाचा अभी वहीं पर रहते हैं. एंड आई गेस दैट्स इट. अगर इफ यू वांट टू गो प्री पार्टीशन तो हमारा ताल्लुक जालंधर से है. यू नो वहां से मेरे दादा अबू माइग्रेट हुए थे टू पाकिस्तान. जबरदस्त जबरदस्त. ये तो रुकनपुर का तो खैर मैंने पहली दफा सुना, ये मुझे पता है रहीम यार खान से भी. तो रुकनपुर रहीम यार खान के बिल्कुल पास ही है रुकनपुर. वहां पर जो बागों में हवाएं चलती है ना, भले बाहर 50 डिग्रीज हो लेकिन वो हवाएं बहुत ठंडी होती है. I could tell. मतलब तो फिर आम तो आपका एक जो है ना वो बहुत ही लाडला सा फल होगा वहां पे. बिल्कुल बिल्कुल सही. अच्छा तो आप ये बताएं कि आप आपने कहा 12 साल से यहाँ पे आप कनाडा में मूव हुई जब आई तो थोड़ा सा वहां से शुरू करें कि आपके क्या फीलिंग्स थे ऑल ऑफ सडन आप मतलब एक डिफरेंट कल्चर डिफरेंट सिटी डिफरेंट नॉर्म्स में आ गई तो कैसे आपने कैरी किया अपने आप को. यू नो 12 साल की बच्ची जो होती है वेरी इंप्रेशनेबल एंड यू नो मेरे तीन भाई थे. आई स्टार्टेड इन ग्रेड 8 इन कनाडा एंड देन वेंट ऑन टू फिनिश यूनिवर्सिटी. लेकिन वन थिंग I was very, very passionate about, even as early as grade 9, was volunteering. In grade 9, I signed up to be an art instructor for the Art Gallery of Ontario. I paint, so I would teach young kids art at the Art Gallery of Ontario as volunteer work. And then carrying on my Baba's legacy, I started volunteering in the library. I would volunteer for food banks and other student organizations, and I would write for the school paper. And then when I went to university, I went to York University for professional writing and criminology. Mera goal yahi tha ki main journalist banna chahti thi. I wanted to be wo jo you know duniya ke renowned journalist jo ke expose karte hain bahut big corporate frauds and government and all of that. Investigative journalist. I was going to win Nobel Peace Prizes and Pulitzer Awards and all of that. And you know, I went and I told my mom wanted me to be a doctor. High school mein I took all of the life sciences courses and the math. And lekin mujhe isme bilkul bhi enjoyment nahi thi. Mujhe numbers se thodi kaifiyat hoti hai. I don't like numbers. So math and me, hamari bilkul bhi nahi banti ever. So I remember ek din I said to my mom, I said, "Mom, I think I want to be a journalist." And I think I was in grade 11, grade 12 at the time, maybe 15, 16 years old. And she said to me, she says, "Punjabi mein, tu zarur politicians de piche bhaji firna." And you know, and I think back now to that time. But I did end up going to York University. I continued my volunteer work because I feel it's important to
give back to the community, to, you know, that is this mulk ne jisne hame apnaya, jisne hame ghar diya, hame opportunities di. Like, I always feel that we need to give back. After graduating university, I worked with my family business for about a year and a bit. Then I started working at an immigration firm. And that is where I just fell in love with the law. And I thought, yeah, this is going to be my life calling. So I applied for law school and I went to law school. I graduated law school, and then I started working for the city of Mississauga in their legal department. I was, I was doing civil litigation. I was doing development law, real estate law, and standing in that courtroom, making your argument in front of a judge, and there's an opposing counsel. And, you know, shakal se aksar mein bachi hi lagti thi us zamane mein, ab to nahi. But you know, you have senior counsel opposing, and itna rush milta tha, you know, to be standing in that courtroom. It was a wonderful feeling. And then it was Baba who said, Ikra, bache, given your passion, given your love for the community, I think you should put your name forward to run for elections. And so I did. I mean, unko Baba ko kafi der lagi mujhe convince karte hue. But once he convinced me, then he convinced my mom and my brothers, and together, alhamdulillah, we started on this journey, and here I am today. I think he did a so wonderful job. He picked up a very good talent. He knew exactly about it, his kid, that what the wonders can she bring to this world. Definitely. My dad is amazing. Jis tarah aapne kaha ki court ka, I could see, I've been to, it has a special part, you know, when you're standing in front of the defense, in front of the crown, and you're proving your point. I love that. It's a great feeling. It is. The adrenaline, like the rush you feel, it's fantastic. And I can tell from a lawyer's point of view, and then being tested upon, is these are totally two different scenarios. It's an interesting life, and I feel, and me especially, you know, I wear a lot of different hats all the time, and jo training mujhe as a lawyer mili hai, I think it's trained me really well for the job that I do today. Awesome, that's great. अच्छा, ये तो खैर मुझे पता है, जिस तरह आपने कहा कि आपको वालिद साहब ने कन्विंस किया, मुझे याद है 2014 में जो मैंने पहले जो किसी के लिए फॉर्म भरे थे वो किसी और के लिए थे, एंड जब जो पहली मुलाकात हुई थी आपकी जीत के बाद, तो अगर आपको याद हो तो मैंने यही पूछा था, वो मैंने तो आपके लिए फॉर्म भरे. Jab Baba ne mujhe mana liya and family ko mana liya, then the toughest part was ke community ko manana tha. And I was 28, us waqt main 28 saal ki thi. I was still studying for my bar exams, and choti si bachi, you know, ke, and Baba would take me to meet a lot of different people, and oftentimes, I mean, Baba, mujhe, I understand, I appreciate, and I respect ke a lot of the people jinhone mujhe pehli dafa support kiya mere Baba ki wajah se kiya, unki respect ke liye, unki taleem ke liye, unke intellectualism ke liye. But I could see, and in fact, kuch logon ne kaha bhi ke, you know, tum 28 saal ki ho, tum shaadi karo, apna ghar basao, tum kya kis pange mein pad rahi ho, right? But we were adamant, my Baba and I, we're going to do this, and we're not going to do it kyunke mujhe kuch banna hai, but we're going to do it because hame community ke liye kuch karna hai. And that was always something that Baba said to me. I remember in the early days, Baba used to say, and he still says to this day, he says, hamara kaam hai effort karna. Baki Allah Malik. So aap bache apni aankhe band karke bas effort karte ro. Just keep working. Baki khuda dekhta hai. And shukar alhamdulillah, you know, humne do logon se kaam shuru kiya and karma banta gaya. My dad always says this, karma banta gaya. And you know, my dad and I and my whole family very, very humbled and very grateful. Just andaaz se community ne aake support kiya. It was phenomenal.
आपको लाने का मकसद भी यही था कि लोगों में जो एक होप है उसको कायम रखा जाए, बल्कि उसको थोड़ा सा पुश किया जाए कि लेट्स आप कोई अच्छा काम सोचते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपने बस काम करना है, आपने चलना है इनिशियली, बाकी इंशाल्लाह लमिया की मदद शामिल हाल होगी। बिल्कुल तो गिवन सर्कमस्टांसिस, जिस तरह मैं भी कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और आप बैकग्राउंड भी हमारा ऐसा है कि वहाँ पे जितने ही मतलब ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड इन द सेंस के उनका एक्सपीरियंस जो है सोसाइटी के बारे में ना हो बहुत ज़्यादा है, उनके सामने 28 साल का बच्चा बात करेगा तो वो यही कहेंगे यार जा काम कर तू अपना, तेरा ते हाल इतने की तू की लेना आ गया। बिल्कुल लेकिन ये भी एक किस्म की मोहब्बत है, राइट? आई ऑलवेज फील इट्स चैलेंजिंग, यू नो, ऑब्वियसली जब मैं यू नो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज के बारे में बात कर रही होती हूँ, व्हेन आई ट्राइंग टू गेट इम्पोर्टेंट वर्क अकॉम्प्लिश, जैसे कि यू नो लाइक कॉम्बैटिंग सिस्टेमिक रेसिज्म, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, the success of that was $23 million for the community. We were able to get a whole anti-racism secretariat established, a whole strategy around the work that I did with anti-racism, religious discrimination, including Islamophobia. You know, we worked on getting funding to organizations in our community. I know Muslim Neighbor Nexus and I worked very closely together, $93,000 to help install security infrastructure. We're helping them again for a further grant. The churches, the synagogues in the community, the various business, small businesses, jinki support chahiye, jinko support chahiye hoti hai, you know, we try to help them as much as we can. I remember jab lockdown hua tha initially, March 2020, and Prime Minister ne told everybody ke it's time, Canadians, to come home, aap wapas aa jaye Canada mein, because we're going to be locking down the country. And I had close to 600 constituents that were stuck in 23 different countries. Wow. And it took me a month. We worked very hard to get everybody home. So, I mean, the point is that there is so much serious work that is involved in my role as a member of parliament, in my role as the chair of the Justice Committee, dealing with the criminal code and the constitution and dealing with items like the budget. Then phir jab you know jab aise maukon par baat hoti hai to people that are you know old enough to be my father or more, then you know thodi si jhijak unko bhi hoti hai, mujhe bhi hoti hai ke you know hamari parvarish to aise hi hoti hai, yours and mine, Kesar bhai, ke you know you treat elders with respect hamesha, you know nazar jhuka ke baat karte hain, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, यू नो जस्ट जी जी कहते हैं, बात सुनते हैं, बात करते नहीं है, लेकिन कभी कभी करनी पड़ भी जाती है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डायनामिक, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक द कम्युनिटी, वी आर ऑल कमिंग टुगेदर टू प्रोग्रेस फर्दर. Awesome. मैं इसको थोड़ा सा चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करें, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी अभी, पाकिस्तान बैक होम में भी अभी वही हालात हैं कि बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं वो चाहते हैं कि यार उनके माँ बाप जो है ना वो सोच नहीं रहे, या उन वो मतलब टोटली उनका डिफरेंस ओपिनियन इतना ज़्यादा होता है. तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बताएं कि यार हाली उनको आगे से जवाब दे के या डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करके यू वांट गोना गेट नथिंग. आपको एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, इस पे आपको बड़ा एक पूरा एहसास हो के सोच के फिर आपने बात करनी होती है, तो उसको थोड़ा सा बयान करें कैसे डील करती है. बहुत मुश्किल से लेकिन आई मीन आई थिंक वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट, जब से मैं इलेक्ट हुई हूँ, हाउ मेनी पेरेंट्स, साउथ एशियन पेरेंट्स, पाकिस्तानी कैनेडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चे मेरे हवाले कर दिए कि हमारे बच्चों के लिए आप इनको तरबियत दो, आप इनको इंकरेज करो कि ये भी कुछ कर पाए, व्हाटएवर फील्ड दैट दे गो इनटू, टू द पॉइंट वेयर यू नो एक हमारा पिछला जो बारबेक्यू हुआ था 2019 में, वी मिस 2020, आई हैड 125 यंग वॉलंटियर्स और सिर्फ एक दिन के लिए फॉर आवर बारबेक्यू. You know, and it was all parents of the community joke encouraging their kids to do more. Most of my volunteers joke campaign mein help karte hain, joke hamare office mein volunteer karte hain on a regular basis, they're all young people.
आई थिंक माइंड सेट थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन आई थिंक द नंबर वन थिंग दैट आई वुड इनकरेज नॉट जस्ट आवर यू नो फर्स्ट जनरेशन द ओल्डर कम्युनिटी बट ऑल्सो हमारे यूथ को इसके बात सुने, राइट? बात को डिसमिस ना करें बिकॉज आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आ रही है बात या कौन कर रहा है बात, लेकिन बात को ऑब्जेक्टिवली आप सुने, उसको अंडरस्टैंड करें एंड देन फिर आप रिएक्शन. And that is something that मैं खुद अपने आप में बहुत instill करने की कोशिश करती हूँ. Is you know, obviously criticism सुनना तो आसान नहीं है, and I hear a lot of it. But I think बंदा तभी improve करता है जब वो criticism सुनता है, अमल करता है, अपने आप को बेहतर जानता है. So I think कमी पेशी दोनों sides में for sure है. The young generation, the older generation. हमें एज अ यंग जनरेशन हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे वालदैन ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है हमारे फ्यूचर के, राइट? अपना सारा बोरी बिस्तर बंद के यू नो इतने कैनेडा आए ने, राइट? विद द एक्सपेक्टेशन के हमारे बच्चे कुछ करेंगे. एंड सो यू नो एंड वी ओ इट टू आवर पेरेंट्स कि हम भी उनकी बात सुने. यू नो दे स्पेंड देयर होल लाइव्स learning, they unke experiences are not invalid. And then parents ko bhi chahiye ke as the youth of Canada, hum kuch society ko hum better samajhte hain than they would because they haven't really been part of that society jaise ke hum. So jab tak hum ek dusre ke saath conversation karte rahenge aur ek dusre ki baat sunte rahenge, I think that we will improve that relationship. हम दोनों मिलकर तरक्की कर पाएंगे. अगर हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, अगर हम यू नो जेंडरिज्म एंड एजिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, अगर हम उसको अपने बीच में दीवारें खड़ी कर लेंगे, तो फिर आई थिंक कि हम सबकी लॉस है. जबरदस्त. इसमें जो की पॉइंट आपने बताया वो है कम्युनिकेशन. आपने चाहे जो भी है आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी के साथ भी है, जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करते कि यार मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने आगे से क्या किया है और ये देखिए हम कहाँ आके खड़े हो गए, तो तब तक कुछ नहीं होगा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. वंडरफुल. लेकर आपने तो अपने बड़ी आंखों पे पट्टी बंधी हुई जो है ना, बहुत सारे बंदों के लिए खोली होंगी. तो अच्छा, जो आपने बात की आप के एक एज अ लॉयर आपने ग्रेजुएट भी हुई, आपने ट्रेनिंग भी ली, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज कि किसी भी, जिस तरह आपने कहा कि किसी बात को डिसमिस ना करें और उसकी जो एक उसकी दूरबीन लाइक दूरंदेशी है वो कितनी सारी एज अ लॉयर कितनी जरूरी है, और आपको एज एन एम पी आपको वो उसमें कितना सारा वो आपके लिए बेनिफिशियल है, जरा उस पर थोड़ी रोशनी डाल. One thing I found throughout law school is ke jab aap lawyer bante hain to aap kanoon seekhne nahi jate, aap ye seekhne jate hain ke kanoon kya hai aur humne basically apni argument kaise karni. I think that's a very important insight that I had, you know, with undergraduate me with my degree in professional writing and then my law degree. I think that really prepared me for being a good communicator. But there are so many members of parliament that are not lawyers. They're businessmen, they're doctors, they're engineers, they're construction workers, they're artists, they're social workers. It's all over. I think sabse zaruri jo criteria किसी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए. इट इज द एबिलिटी टू लिसन एंड टू कम्युनिकेट, एंड दैट इज बात करने की थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वकालत की डिग्री हो तो आप बात कर सकेंगे. एंड बात करते हुए अगर आपकी आवाज थोड़ी शेक भी हो ना, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. As long as ke baat nikal jaye aapke muh se on the right platform, you know, we are decision makers for our country. Our words jo hamari awaaz hai ye hamari community ki amanat hoti hai.
एंड जब यू नो हम कम्युनिटी से सुनते हैं एंड देन फिर हम कम्युनिकेट करते हैं आगे, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरी कर पाए. आई ऑलवेज फाइंड यू नो आप भी कैस्टर भाई बहुत लोगों से मिलते हैं जो कि देयर कैंडिडेट्स और देयर रनिंग और देयर इंटरेस्टेड इन पब्लिक ऑफिस. I have found, and including myself, there are two kinds of people. One is जो कि कुछ करना चाहते हैं, the second is जो कि कुछ बनना चाहते हैं. And I think के a good politician is always the person जो कि कुछ करना चाहता है बनिस्बत के कुछ बनना चाहता है. Because अगर आप बनना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ अपने आप पर फोकस करते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी पे अपनी अपने मुल्क पे फोकस करते हैं, एंड वो फिर माइंडसेट ही पूरा डिफरेंट होता है. जबरदस्त, आपने सही कहा. असल में जो दूसरी बात है ना, आप कुछ करना चाहते हैं, दैट्स द की, वो आपको कुछ बना भी देती है आखिर पे. तो डूइंग वन यू विल गोना गेट बोथ. सही, जबरदस्त. तो आपने जो स्पेशली जो सिस्टमैटिक रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर आपका काम बहुत ज़्यादा है. और मैं उसको बिकॉज नोइंग द कॉर्पोरेशंस एंड द बिग अपनी जो भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उसको अंदर से जानते हुए, जो सिस्टमैटिक रेसिज्म है ना, जो वर्ड यूज हुआ है, आई लव दैट. उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि वो किस तरह आपको लीड किया कि आप इसके तरफ आएँ. बिल्कुल. 2016 में एक ई पिटिशन सर्कुलेट हो रही थी पूरी पूरी ये कनाडा में, जो कि हमारी गवर्नमेंट को कह रही थी कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, एंड हमारी गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए कि ये हम ये जो जो धब्बा लग जाता है मुसलमानों पर, कि हम इसको कैसे रिमूव कर सकें. That we need to take action, ki hame kuch kaam karna chahiye to continue to build bridges. This was e-petition 411 by former member of parliament Frank Bayliss. Us e-petition ko support karte hue, I started doing more research, and the Globe and Mail ne ek series of polls, surveys jari kiye pure mulk mein, to find out ke ye racism kya hai, log kya sochte hain iske bare mein, kya log face karte hain racism ko. तो जो सर्वे ने फाइंड किया, those findings were incredibly sad, के racism, systemic racism really exists in our country. And when I say systemic racism, I mean, अगर आपने हिजाब पहना हुआ है तो ऑटोमेटिकली कंपनी के जो हायरिंग यू नो पीपल हैं वो असूम शायद करें कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, या आपकी क्वालिफिकेशंस उतने बेहतर नहीं है जिसने हिजाब ना पहना. इनफैक्ट ये जो सर्वे एंड दिस ये जो ग्लोब एंड मेल ने पूरी स्टडीज पे की थी, इट रिवील्ड दैट द मोस्ट सिस्टेमिकली इंपैक्टेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड जॉब्स वाज चाइनीज मेन. दे फेस द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट काइंड ऑफ रेसिज्म विद इन द इंस्टीट्यूशंस एंड द and the structures jo ke humne you know established kiye hue hain to function as Canadians. So it was on that basis that I put forward a motion in the House of Commons asking hamari government ko ki hame is issue ko study karna chahiye, or we should look into and develop a whole of government strategy around ki hum isko kaise eradicate kar sakte hain. Because studies show कि जब हम हमारे जो कॉर्पोरेट बोर्ड्स होते हैं, व्हेन दे आर डाइवर्स, व्हेन दे हैव अ जेंडर बैलेंस, तो कंपनी की बॉटम लाइन जो होती है, दे एक्चुअली इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी, दे डोंट डिक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी. द इमिग्रेंट कम्युनिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ आवर लेबर मार्केट ग्रोथ हमारे मुल्क में, राइट? हमारी जो लेबर की मार्केट ग्रोथ होती है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ होती है, इट्स बेस्ड ऑन द अमेजिंग स्किल्स एंड ट्रेड्स जो कि इमिग्रेंट्स हमारे मुल्क में लाते हैं, राइट? तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देते तो फिर तो हम अपने मुल्क को हर्ट कर रहे हैं. सो इट वॉज ऑन दैट बेसिस ये स्टडी हुई, यू नो, एंड इट पास्ड थ्रू अ मेजॉरिटी वोट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. द स्टडी वॉज डन and 30 concrete recommendations came out. $23 million were
allotted to those organizations जो के you know volunteer training करना चाहते हैं, जो के अपने awareness raise करना चाहते हैं within their own organizations, जो के educate करना चाहते हैं community and public को about all of these different people that still have merit in all of the work that they bring to our country. And as I said earlier, we established an anti-racism secretariat, an anti-racism strategy, and we'll continue to do it. And I guess, Rabhai, I'm sure you know, the RCMP, police forces, all of these organizations, we need to look at all of them and see ke hum inko improve kaise kar sakte hain, ke hum logon ki ke merit, logon ke talent ko apnaye, और सिर्फ उनके जो शक्ल सूरत है, जो उनका रिलीजन है, उस पर ना जाएं, बिकॉज़ आई थिंक कि हम कनाडा को हर्ट करते हैं इफ वी डू दैट। आपने हवाला भी दिया, तो असल में बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए मैंने कहा कि सिस्टमैटिक रेसिज्म कि वो एक दफा का जिक्र नहीं होता, या कोई एक ही बात या कोई एक ही इंसिडेंट नहीं होता, इट्स अ सीरीज ऑफ इश्यूज जो रिलेट करते हैं और स्लोली स्लोली बिल्ड होते हैं। जिस तरह आपने कहा, मेरी अब ब्राउन स्किन है को देखते ही सबको पता है कि मेरी इंग्लिश जो है ना वो इज़ नॉट माई मदर टंग, तो लेकिन एज सून एज दे गेट टू दैट पॉइंट, तो मैं हल्के से कह भी देता हूँ, हाँ यार मैं साथ दो तीन जुबानें और भी बोल लेता हूँ, exactly. और साथ साथ ये भी बताता हूँ कि अगर रेज़्यूमे पे आपने डबल मास्टर्स किया हुआ है और मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन मेरी जुबान जो है ना दो और है, तो इट विल हर्ट यू, सो यू नो लाइक एंड दैट्स हाउ इट इज़। आई वुड सी कि जिस तरह आपने कहा कि किस तरह यूटिलाइज किया जाए लोगों की स्किल को, yeah. तो जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो इसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो है वो थोड़ा लाइटर पार्ट की तरफ आ जाते हैं। आप ये बताएं कि जब पहली दफा आपने माशाल्लाह से हलफ उठाया था, when you sworn as an MP, what was your feelings? कैसर भाई, जब मैं पहली दफा अपनी सीट में बैठी इन पार्लियामेंट, मुझे ना ऐसे लगा जैसे कि इतना लाइक भारी वजन मेरे कंधों पर, मैं ऐसे होके बैठ गई, लाइक आई थॉट कि I carry a lot of responsibility for the community and for my riding and you know main choti si bachchi main yahan par kya kar rahi hu, ab to main choti si bachchi nahi rahi, obviously this was like 6 years ago, but it was one of the most humbling experiences on my life, looking at my mom and dad's face when I swore my oath, looking at their face, and I could just see the pride in their face, and I felt good, you know. I mean, we all want to make our parents proud, hum puri zindagi guzar dete hain to make our parents proud. It was a really, really empowering moment for me, and you know, now 5-6 years later, you know, ab to, you know, it's become part of routine, but I have to tell you, every time when I drive by the parliament building, where I'm walking past the parliament building, mujhe yakeen nahi aata ki main yahan par kaam karti hu, because this is my office. It is a very, very humbling feeling, and you know, ye opportunity sabko nahi milti, and isliye you know main kafi jaldi mein hu to make sure ki main kuch na kuch kar paun jab tak as long as I have this opportunity. माशाल्लाह जबरदस्त। इसमें मैं थोड़ा सा एक अपना वाकया बताऊंगा। मैं पाकिस्तान से तकरीबन ऑलमोस्ट 20-22 ईयर्स से जो है मैं बाहर हूँ, और 16-17 साल की उम्र में अपना गांव मैंने छोड़ दिया था एजुकेशन के लिए, इस्लामाबाद चला गया था वहाँ से। उसके बाद मतलब आउट ही रहा, वालदा की भी डेथ हुई जब मैं इंग्लैंड था, फिर वालद जो है वो मेरे आपको पता है 2019 में उनकी डेथ हुई। लेकिन एक जो चीज़ जो आपने बताई ना, एक आपके पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी, मेरे वालद जो है वो उन्होंने ग्रेजुएशन मेरी 2014 में, तो मेरी अकेडमी में वो आए थे, और आपको पता है कनाडा का वीज़ा नहीं लगता, तो जब मैं ट्रेनिंग पे था तो मैंने एक लेटर साथ लगा दिया था कि मुझे लेटर दे दें, मैंने वालद साहब को बुलाना है, ये माय ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो वो तकरीबन विद इन 3 वीक्स जो है ना उन्होंने, बिकॉज ऑफ लेटर, आप जाहिर सी बात है जो लिखा होगा साथ RCMP का, तो इट विल ह्यूज मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो वो आ गए, तो हमारा उस वक्त के जो आपके डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी थे वहाँ पे,
हार्पर की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इट वाज अ मोमेंट ऑफ आई कैन टेल आई स्टिल हार्ड टू कम्प्रिहेंड, जब उन्होंने कहा कि वाले साहब से मैंने पूछा कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, वो कह रहे हैं बेटा मैं शलवार कमीज ही पहनता रहा हूँ सारी जिंदगी। तो मैंने अपने बता दिया था अपने एडमन को कि यार मेरे जो घर वाले हैं ना वो अपने सारे ट्रेडिशनल अटायर में आएंगे, उसमें शलवार कमीज भी होगी, लेडीज के भी अपने जो उनका दिल करेगा वही कहेगा। तो दे मेड माई टेबल एज अ सेंटर ऑफ अटेंशन, एंड जब उन्होंने मेरा नाम लिया और जब बताया उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि कैसर के जो वालिद हैं आप जहाँ पे भी हैं प्लीज खड़े होके, ये दुनिया के उस कोने से सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए आए हैं तो हाथ ला दें। तो इट वाज आई स्टिल आई गेट ओवरवेल्म्ड, तो मुझे याद आ गया आपके कहने से इट इज, ये जो चीजें हैं ये आपकी मेमोरी में ट्रेजर्स की तरह जो है ना वो रहती हैं। बिल्कुल, what a feeling, my gosh, Kester Pai, you make our community proud. I think your role as an RCMP officer is just, you know, representing like in so many different ways. Zaruri nahi hai ki sirf politics ke sath aap change impact kar sakte hain. You as an RCMP officer, aap khud itni change impact karte hain apni community mein, aap represent karte hain, you raise your voice and you make your parents proud. Bhale wo aaj hamare sath na bhi ho, I'm sure that they're still very, very proud of everything that you are. I know I am, as your little sister. No, thank you. Thank you very much. Is tarah mujhe community se aapko pata hai, pyar bhi bahut milta hai, koi shak nahi hai. Aur maqsad bhi yahi hai. Aapke samne main matlab youth ke sath mere club jo hai, yeah. Sare un bachon ke sath mera interaction ka maqsad hi yahi hai ki we belong to this, theek hai? Hum aage hain. And there's no need to hide who we are. Tell, go, do it. और जब तक हम represent नहीं करेंगे, आपको तो ज़्यादा अच्छे से पता है कि जिस table पे आप नहीं है, उस table पे आपकी बात नहीं होगी। बिल्कुल। That's the only way to fight. बिल्कुल। Fight in means के अपने कि आप कौन है वो बताने में। तो it's huge. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं अब ज्यादा बात नहीं करता हूँ, आपने आपको पता है सोशल मीडिया पे भी, और इस ग्रुप में मैं पिछले तकरीबन 5-6 साल से हूँ, और जस्ट बिकॉज कि मुमताज मुफ्ती साहब ने की जो बुक्स हैं तलाश और उनकी सारी बुक्स और खास तौर पे तलाश और लबैक जो है ना, उन्होंने मेरी जिंदगी पे कुछ ऐसा असर छोड़ा है कि जो एक गाँव का छोटा सा बच्चा था जिसके लिए अल्लाह मियाँ एक बहुत ही गुस्से में हर वक्त कोई गुनाह हो गया गलती हो गई डंडा लेके खड़े होते हैं, उन्होंने बिठा के ला के तो मेरे साथ बिठा दिया, मेरा एज ए दोस्त बिठा दिया। वाओ, इट प्लेड अ ह्यूज रोल मेरी लाइफ के यहाँ तक आने में पहुंचने में। तो इस वजह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया। Kester Pai, we are so proud of you and everything that you are one of those quiet people jo ki kuch karna chahte hain na ke banna chahte hain. Like, I really appreciate I've seen firsthand ki aap bachcho ko kaise mentorship dete hain, aap unko sakhti se bhi pyar se bhi aap unko in line mein rakhte hain, and I really appreciate that. I think you're having a very positive impact. थोड़ा सा एक बार कट करूंगा, आज का प्रोग्राम आपके बारे में था, मेरे बारे में नहीं। It's about us. Thank you very much. Inclusiveness. Exactly. जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि आप आगे क्या देख रही हैं? Next, आपके कोई baseline, आप मतलब कोई चीव ऐसी कि कोई जो आप चाहती रही हैं कि आप जल्दी से कुछ टू स्टोन या कोई ऐसा के माइलस्टोन आपकी नजर में हो, आप कुछ करना चाह रही हैं? A couple of things, jo ke they're not ke, you know, like this is my life goal, but things I would like to accomplish. One is ke main human trafficking ko combat karna chahti. Mississauga is one of the biggest hubs of human trafficking in the country. And I, you know, like it's young girls as young as 12, 14 years old, jo ke jinko isme human traffic kiya jata hai. And they're not necessarily international, they're Hamari local community. So that's one thing I would really like to combat and to eradicate. You know, like I started in 2018, I started a study on human trafficking. Puri Canada, May we went across meeting with law enforcement, meeting with organizations. I hope to continue that work because I think it's getting a little bit worse.
The second thing, it's a personal goal of mine. It's not work related, so I will share with you. मेरे लिए हमेशा से ख्वाहिश रही है मैं यू नो पाकिस्तान भले पैदा हुई थी लेकिन पाकिस्तान की पहचान पाकिस्तान की गलियां आई गेस मैं नहीं घूम पाई तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक दिन इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाके एक एक गली के खाने टेस्ट करना चाहती हूँ सो यू नो होपफुली दैट professionally though I do want to strike a free trade agreement between Canada and Pakistan the work is starting on this obviously we were looking for Pakistan's cooperation in this venture but inshallah we're working hard towards it awesome that's great lekin aaj ke especially aaj ke program ke baad main aapko bata dun ki aapke Pakistan mein jitne bhi shahar hain सब में आपको इस ग्रुप का कोई ना कोई बंदा आपको पिक करके जब भी आप पाकिस्तान में खाना जरूर खिलाएगा दिस इज अ गारंटी आप क्या करें आपने साथ चलना है हमारे वो तो फिर इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है सादिया जो है वो भी पिछले दो साल से कह रही है कि हमने जाना है और इकट्ठे जाना है क्योंकि मेरे मुर्सल को लेके गया था मैं 2018 में फर्स्ट टाइम एवर हमने कदाफी स्टेडियम में टोरंटो पुलिस की तरफ से जो मैच खेला था आई रिमेम्बर यस तो इज्मा जो है शी वो गई थी जब वो दो साल की थी उसके बाद वो नहीं गई तो शी इज एंग्री हर दूसरे दिन बताती है कि बाबा मैंने अभी पाकिस्तान नहीं देखा मुझे भी 11 साल हो गए मैं पाकिस्तान नहीं गई एंड आई नो कि बहुत कुछ वहां पर बदल गया है बट कुछ चीजें कभी नहीं बदलती you know, भले वो साबरी की निहारी हो या गन्ना जूस हो या लोग हो the culture तो maybe मुझे पता है सादिया अभी loves food as well so it would be so wonderful कि हम पूरा मुल्क घूमे और गली गली से खाने खाएं and you know and just absorb the culture Pakistan is one of the most beautiful countries in the world and I think उसको महसूस करना उसका एहसास करना I think it would be really nice I will be definitely looking forward to this venture. Acha ab jo question ab hum bilkul aakhir pe pahunch rahe hain to mere do kuch questions bade acche honge. Aaj ye bataye ki ab hum dono mulkon ke jo prime ministers hain they are the top talk of the world. Zara uske bare mein. Yes. I think Canada and Pakistan dono mulkon mein bahut zyada similarities hain. You know, and I think the Prime Minister of Pakistan, and in fact, Prime Minister Trudeau, unki pichli dafa May of 2020 mein baat hui thi, to talk about the response to COVID, to talk about other initiatives. Ministers ki aapas mein baat to hoti rehti hai. I know just a couple of months ago, our Minister of Trade met with virtually the Minister in Pakistan to talk about potential free trade between the two countries. Hamari Prime Minister invitation di thi Prime Minister Imran Khan ko before COVID. This was 2019. Ke aap aaye hamare mulk mein visit kare. We would love to meet with you and obviously engage with you. Aapko bhi pata hai ke Prime Minister Trudeau ki kitni muhabbat hai Pakistan mein. In you know wahan par truckon pe unki pictures logon ne paint ki hui hoti hai. It's really nice. I think prime ministers ke ilawa the most important building block of a relationship between two countries are the people the Canadian people the Pakistani people jitni hum zyada unki people to people relationship hum build kar sakte hain utne zyada stronger ties hum dono mulkon ke rakh sakte hain governments come and go lekin the people always are there and mulk ko chalate hi unke log hain so you know whether it's trade whether it's cultural exchanges educational exchanges or immigration or students all of that pichle 5 saalon se humne is pe bahut kaam kiya hai to you know ke pehle jahan par sponsorship ki application 4 saal lagte the hamari government ke under now is 12 months on average humne $20 million invest kiye to democracy in Pakistan women's empowerment in Pakistan in the student direct stream for international students coming from Pakistan so now Pakistan is one of 5 countries in the world jo ke there are an express stream to come to Canada
This program started about a year ago, and then COVID hit, so obviously it's been delayed a little bit. But there's so much more to do. I mean, I remember the Hum Awards happened in Canada, of all the places, as Pakistan's biggest show that happens. So I think opportunities bahut hai, talent bhi bahut hai. And you know, I think our prime ministers can play a very important role to bring the two countries together. Awesome. वैसे आपके मैं थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए बता दूं, कल मैंने एक कल नहीं बल्कि दो दिन पहले एक प्रोग्राम किया था. मेरे यहाँ पे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं. तो इंटायर प्रोग्राम जो था वो हमारा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पे था. इसी प्रोग्राम में हमने प्रोग्राम किया था और उसने हमने सारा कुछ बताया था कि जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं आप उसको किस लेवल पे लेके आ गए. SDS में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है. And as a Canadian, we're definitely looking forward for more students. Obviously, our counterpart has a huge ratio when we talk about students in Canada. 65% aur kaha hamara 5%. So, hum uske bare mein program kiya tha humne do din pehle. Do baatein jo hain wo main karna chahunga ek isi program ke tawassut se kuch aapko bhi aapko pata hai ki aapne Banff dekha hai. One is the most beautiful place on earth. And जब मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को देखता हूँ, इमरान खान की जो बुक थी 1990s की और जो अब जहाँ पे उनकी जो सीनरीज आती हैं, मुझे लगता है कि ये दो जो है ना, ये दो सिस्टर सिटीज हैं. एंड दे शुड बी कॉल्ड, दे शुड गेट दैट रिस्पॉन्स कि यहाँ पे हमारा कोई इन्वेस्टर वहाँ पे जाए, इस काबिल हो जाए, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डिवेलप कर लें कि हमारी वहाँ पे आना जाना लोगों का आसान हो जाए. That's what I'm looking forward to. अगर किसी किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म की अगर बात होती है आपकी, तो मैं चाहूँगा आप एक ये वाला जो है वो रेज इशू जो है इसको रेज करें. और दूसरा रिक्वेस्ट है ये मेरी और दूसरा जो है जो ट्रेनिंग है, स्पेशली द पुलिस ट्रेनिंग. आई थिंक बीइंग गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड हैविंग अ क्लोज आई, आई थिंक वी हैव द बेस्ट पुलिस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. तो उसमें अगर कुछ कोऑपरेशन कंट्री टू कंट्री होता है, मैंने जो आए थे वलीद इकबाल साहब आए थे, अलामा इकबाल के जो पोते हैं अगर आपको याद हो, नमल में आपको भी आप भी थे. Yep, I remember. मैंने उनके थ्रू भी उनको भी कहा था कि आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड डेफिनेटली कि मेरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन या आपको ताबन चाहिए होगा. तो मैं चाहता हूँ कि वो कोई एक ऐसा उनका डेलीगेशन आए टॉप ऑफिसर्स का, देखे कि यहाँ पे ट्रेनिंग किस तरह होती है और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं. I would love to see that. That's wonderful. Those are really great ideas. And inshallah, I look forward to working with you on them as we continue to build those bridges between the countries. I think those are great initiatives. Awesome. Thank you very much. अब जो है ना वो entirely आपका है. आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई भी बात जो रह गई है जो मैं पूछ नहीं सका. बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन, और सारी इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो है ना माइक आपका और मैसेज हम आपका सुनते हैं. Well, I'll keep it brief, but I just want to thank you, Gesserpai, for everything that you do in our community. I want to thank all of the community members. I know ke 2020 ek asaan saal nahi raha kisi ke liye bhi. And I appreciate कि मैंने देखा कितने community के लोगों ने मिलके you know एक दूसरे की support की, अपने neighbors की, अपनी community की. It really made a big difference. You know, as now अब हम vaccines distribute करना शुरू किया हुआ है, I just would appreciate कि हम continue to practice physical distancing. घर से बाहर जितना कम हो सके उतना निकले, अपने हाथ regularly wash करते रहें. Wear a mask when you go out in public. Download the COVID Alert app. Inshallah, very soon we will get over this. Hum apne loved ones se dobara mil bhi payenge. And I just want to say, check on your neighbors. Ek dusre ka khyal rakhein. And agar main aapki koi help kar sakti hu, please reach out to me. ikra.khalid@pearl.gc.ca. 905-820-8814. Anytime, please do give me a call. I'm at service and of service. Thank you so much, Gesserpai, for giving me this opportunity. It's been a very wonderful conversation today. Awesome. Thank you very much. I hope all members ne bhi
हमने लाइव क्वेश्चंस नहीं दिए क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं, फिर अब प्रिपेयर्ड नहीं होता बंदा ले। हमें इसको चाह रहा था कि बड़ा लाइट से मूड में इस इंटरव्यू को जो आगे बढ़ाया जाए, इस वजह से मेंबर्स अलाउ थे सवाल करने के, क्वेश्चंस हम नहीं ले सके क्योंकि हमारी अपनी कन्वर्सेशन ही इतनी इंटरेस्टिंग जारी रही। तो लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। थैंक यू, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।